म्यूजिक सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वूफर, जो बनता है लकड़ी से ताकि जबरदस्त बेस इफेक्ट मिले। लकड़ी से बने वूफर के इस बेसिक स्ट्रक्चर को मॉडल के हिसाब से तैयार करते हैं। ये एक मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड से बनता है। वूफर बोर्ड को पेस्ट करके आगे असेंबली के लिए भेज देते हैं। सबसे पहले वूफर में हार्नेस केबल इंसर्ट करते हैं, जिससे पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और स्पीकर्स जोड़े जाते हैं और ये आखिर में सर्किट से जुड़ते हैं। फिर एफएम रेडियो के लिए इसमें एंटेना इंसर्ट करते हैं। अब वूफर फ्रेम में 20 वॉट का स्पीकर लगाते हैं। उसके बाद बारी आती है ट्रांसफॉर्मर की। जी हां, वूफर में भी ट्रांसफॉर्मर लगता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। ट्रांसफॉर्मर से पीसीबी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। दूसरी तरफ बैक प्लेट पैनल बनाया जा रहा है, जिसमें 6 कनेक्शंस होते हैं, 4 स्पीकर आउटपुट के और 2 सीडी प्लेयर्स इनपुट के। इसमें पीसीबी भी अटैच्ड होता है। अब इसे वूफर असेंबली लाइन में भेजा जाता है। पीसीबी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स लेकर आगे पास करता है, जिससे वूफर एम्पलीफायर की पावर बढ़ती है और बेस की क्वालिटी बेहतर होती है। इसके बाद सभी वायर्स को पीसीबी और स्पीकर्स पर सोल्डर करते हैं और सर्किट में एंटेना की भी सोल्डरिंग होती है। अब ट्रांसफॉर्मर वायर को पावर सप्लाई के लिए मेन इलेक्ट्रिक लाइन से जोड़ते हैं। अब बैक प्लेट पैनल को वूफर बॉक्स के बैक सेक्शन में फिक्स करते हैं। इसके साथ ही वूफर बॉक्स का बैक सेक्शन स्क्रू से कस दिया जाता है। बेस को बेहतर करने के लिए बॉक्स की साइड में वेंट पाइप फिक्स करते हैं, जिससे सिस्टम लो फ्रीक्वेंसीज और अच्छे से कैच करता है और मिलता है सॉलिड बेस। फिर वूफर का फ्रंट सेक्शन मॉड्यूल जोड़ा जाता है, जिसमें डिस्प्ले एरिया, वॉल्यूम और बेस कंट्रोल सर्किट पहले से अटैच्ड होता है। हार्नेस को पीसीबी और फ्रंट पैनल से कनेक्ट करते हैं। हॉट ग्लू गन से ग्लू लगाकर इसे वूफर बॉक्स पर अच्छे से चिपका देते हैं। हो गया वूफर तैयार। दूसरी तरफ एक असेंबली लाइन पर स्पीकर्स बनाए जा रहे हैं। इस म्यूजिक सिस्टम का हर स्पीकर 10 वॉट का है। स्पीकर को बॉक्स में डालकर स्क्रूज से कस देते हैं। अब स्पीकर बैक पैनल पर रखते हैं, जिस पर आरसी लीड लगी होती है। इसकी दूसरी साइड वूफर इनपुट कनेक्शन से जोड़ी जाती है। असेंबलिंग कंप्लीट होने के बाद सभी वूफर्स को एफएम, एसडी, यूएसबी और स्पीकर आउटपुट टेस्ट पास करना होता है। इसके बाद टेस्टिंग रूम में सिस्टम की वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी टेस्ट होती है। यहाँ वूफर का बेस, वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट के लेवल्स और डिस्टॉर्शन कंप्यूटराइज चेक होते हैं। इसकी ढिंचैक साउंड से साबित होता है ये तो एकदम परफेक्ट बना है। फाइनली स्पीकर्स के 4 सेट और रिमोट के साथ वूफर की पैकिंग की जाती है। इस फैक्ट्री में एक दिन में अलग अलग तरह के 5000 म्यूजिक सिस्टम्स बनाए जाते हैं, यानी साल भर में सिर्फ इस फैक्ट्री में 18 लाख म्यूजिक सिस्टम्स बनते हैं।